आज हम शुरू करेंगे फोन्स जो है आपके 1500 रुपए से, आपका सैमसंग, नोकिया, जियोनी और बहुत सारे फोन्स। जय हिंद दोस्तों, सबाई कैमन आछेन, भालो तो? सो वेलकम बैक वंस अगेन टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कलकत्ता ट्यूब। मैं हूँ शबूज, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, यस ए प्लस डिवाइस पार्क स्ट्रीट पे। लास्ट ब्लॉक का रेस्पॉन्स धमाल था, चुम्बेश्वरी था। सो मैं आ चुका हूँ नया स्टॉक्स लेके और साथ पे आप देख सकते हो पेटी ही पेटियां, भर भर के है पेटी ही पेटियां, साथ पे फोन्स तो दिखाएंगे ही आपको। तो दोस्तों बुलाते हैं जेफ जी को। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ए प्लस डिवाइस इज द बिगेस्ट होलसेलर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो डील करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन का फोन्स। राइट मिस्टर जेफ, वेलकम टू कलकत्ता ट्यूब चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच शुभोदा, आपको दोबारा यहाँ पे बुला के हमें बहुत बहुत खुशी हुई। पिछली बार जब हम लोग ने सबूजदा को यहाँ पे बुलाया था और उनका जो पहला वीडियो जब करवाया था, उसके बाद जो रिस्पांस आया है, आई टेल यू सबूजदा, मैंने दिल खुश कर दी। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। तो जेफ जी जी, आज तो स्टॉक भरमार है। एग्जैक्टली, आज तो इनफैक्ट पिछली बार से डबल स्टॉक होगा, कितना ज्यादा स्टॉक होगा इस बार। जैसे पिछली बार हम लोग ने 750 पीस लेके आया था, इस बार हम लोग ने उसको डबल कर दिया है। हम लोग ने 1500 पीस हम लोग इस बार आपके लिए लेकर आए। क्या बात है, और मैं बोलना चाहूंगा ये होलसेलिंग प्राइस B2B B2C दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट? जी बिल्कुल, बट कोरोना का टाइम है, काफी लोगों का नौकरी चला गया है, काफी लोग सोच रहे हैं बिजनेस सेटअप शुरू करने का, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? तो ये अच्छी बात आपने अभी उठाई है, क्योंकि ये अभी इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की, जैसे आपने बताया, नौकरी में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, जिस वजह से अभी आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, खुद से बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे एंड से अभी पूरी सपोर्ट मिल रही है जो स्टॉक अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि सुबोजदा के पहले वीडियो के बाद हमें बहुत सारे फोन आए और उसमें से कहीं सारे ऐसे हमारे पास होलसेलर का कॉल आया था जो पहली बार बिजनेस चालू करना चाहते हैं सेकेंड हैंड और प्रेक्सो मोबाइल्स में। तो उन्होंने जब कॉल किया, हम लोगों ने उनको पूरी बातें समझाई कि ये स्टॉक कहां से आता है, कैसे कंडीशन में आता है, प्राइसेस कैसे रहते हैं और उनमें उनका क्या क्या मार्जिन रहेगा। तो ऐसे ही करके कई सारे होलसेलर्स हमारे पास आए, उन्होंने स्टॉक्स उठाया और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा अभी तक। और जो लोग नया व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? फ्लिपकार्ट अमेजन का जो फोन आता है आपके पास, क्या प्रोसेस से आता है? तो हमारे पास जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के फोन्स आते हैं, डायरेक्ट उनके वेयरहाउस से आते हैं। अभी जैसे फ्लिपकार्ट के कहीं वेयरहाउसेस है इंडिया में, आपका हैदराबाद में है, आपका मुंबई में है, दिल्ली में है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी है। तो इन सारे वेयरहाउसेस से ही ये सारे माल आते हैं। तो आपको जिस हिसाब से, जिस ग्रेड में फोन्स चाहिए, आपको वो हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, चाहे वो 10 पीस ही क्यों ना हो और चाहे वो 500 से 1000 पीस तक का रिक्वायरमेंट ही क्यों ना हो, आपको सारे ही फोन्स यहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगे। और ए प्लस डिवाइस एक लौता ऐसा डीलरशिप है जहां पे होलसेल प्राइसिंग पे सिर्फ और सिर्फ कोलकाता पे आपको मिलेगा। सो आपको दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जाने का कोई दरकार है नहीं दोस्तों, कलकत्ता के अंदर ही आप आ सकते हो। बांग्लादेश से भी काफी जन आता है मैंने सुना जी। तो इनफैक्ट वहां नॉट ओनली इंडिया, एग्जैक्टली आउटसाइड इंडिया आल्सो पीपल कम एंड प्रोक्योर।
तो आपके वीडियो के बाद इनफैक्ट मुझे बांग्लादेश से भी कॉल्स आए हैं, यहाँ तक कि नेपाल साइड से भी कॉल्स आए हैं। क्या बात है, तो ऐसा रीच हुआ है। सो रीच के लिए, रीच का बात हुआ तो मैं एक चीज जानने की कोशिश करूंगा, जो लोग आपके पास पहुंच नहीं पाएंगे वो ऑर्डर देना चाहेंगे, उसके लिए क्या मैसेज है? तो जो भी, मान लीजिए अगर यहाँ तक आने में आपको कभी भी कुछ तकलीफ होती है, तो हमारे एंड से आप सिर्फ हमारा जो नंबर है उसको सेव करके हमें एक बार कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जो हमारा पूरा लिस्ट है वो आपको भेज देंगे और वहां से ही डायरेक्टली आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के बाद पूरा ए टू जेड आपका प्रोसेसिंग से लेकर डिलीवरी तक वो हमारी जिम्मेदारी है, तो आपको किसी चीज की भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। फैंटास्टिक, सब कुछ बात तो कर लिए, बट एड्रेस कहाँ पे है? एड्रेस तो काफी इम्पोर्टेंट है, एकदम प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, हार्ट ऑफ द सिटी, यस, पार्क स्ट्रीट पे। तो मैं एक बार पूरा लंबा एड्रेस एक बार बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। एड्रेस है 8x1A सर विलियम जोन सरनी, कैमैक स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट एरिया, कोलकाता 7,71। ये है आपका पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क के ठीक ऑपोजिट में, बैंक ऑपोजिट, और इस रास्ता से एकदम डायरेक्ट आप कैमक स्ट्रीट भी निकल सकते हो, right? जी बिल्कुल। सो दैट्स द रोड। सो और देर किस बात का, दिखाना है आपको फोन, देखना है आपको फोन, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफर। सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईफोन, सब कुछ का स्टॉक है मिस्टर जेफ, राइट? एकदम। और इतना सारा बॉक्स। सो आज फोन दिखाने से पहले बॉक्स से शुरू करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए क्या है इसके अंदर। तो ये है हमारे जो भी स्टॉक्स आते हैं सब ऐसे आपके फ्लिपकार्ट के बॉक्स पैकेज में आते हैं, ये आप देख सकते हैं। खोल के दिखाइए हमें। जी बिल्कुल, खोल के दिखा रहे हैं। So, दोस्तों आप देख पाओगे बॉक्सेस ऐसा आता है फ्लिपकार्ट अमेज़न से, आप देख सकते हैं इसमें वो लिस्ट भी रहता है आपका फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो आपको पता चल जाए कि हर बॉक्स में क्या क्या फोन्स आपको अवेलेबल मिल रहा है। सो यू आर ओनली ऑथोराइज्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न, राइट? करेक्ट, इन कोलकाता। यस। सो कस्टमर कभी कभी सोचते हैं चीटिंग हो जाए, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो नॉर्मली जो भी हमारे होलसेलर्स बॉक्स टू बॉक्स लेते हैं उन्हें हम स्टार्टिंग से ही मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वो बिना चेकिंग किए डायरेक्ट बॉक्स ही पिकअप कर रहे हैं, राइट? तो अगर उनको कोई भी फोन का मिसमैच आता है, जैसे मान लीजिए उनको फोन सैमसंग का बोला गया था लेकिन उसमें निकलता है MI का कोई छोटा मॉडल, right. तो ऐसे मिसमैच के सिचुएशन में उनको हमारे एंड से पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, हम या तो उनके बिलिंग में ही उसको एडजस्ट कर देंगे या तो प्रोडक्ट उनको रिप्लेस करके ही दे देंगे। सो मान लीजिए कि बॉक्स लेने के बाद कुछ फॉल्ट निकलता है कोई भी फोन से, तब क्या होगा? तो हमारे यहाँ से जब भी बिना चेकिंग के ले जाते हैं कस्टमर, तो हम उनको होलसेलर्स को दो चीज बोल देते हैं कि भैया अगर देखिए फोन में आपका कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे आपका बोर्ड के रिलेटेड कुछ आपको इश्यू हो रहा है या नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर मान लीजिए आपका फोन आना चाहिए था बी ग्रेड में लेकिन वो आ गया है सी या डी ग्रेड में, तो ऐसे सारे सिचुएशंस में आपको हमारे एंड से फुल सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो आपको मॉडल रिप्लेस करना हो या फिर बिल में एडजस्टमेंट करना हो, आपको इंश्योर करेंगे एक चीज हमारे एंड से कि आप जब भी हमसे लॉट ले रहे आपको बिजनेस में कोई भी घाटा ना हो। और ये ग्रेडिंग का क्या सीन है? तो हर बक्से के अंदर जो भी आपको फोन्स मिलते हैं सारे मिक्स्ड ग्रेड की तरफ से आते हैं। अभी फ्लिपकार्ट जो है मेनली तीन ग्रेड्स में काम करता है, एक आता है आपका बी ग्रेड के फोन, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देख सकते हैं आपका बी ग्रेड के फोन्स जो आते हैं वो या तो फ्लॉलेस कंडीशन में आते हैं विद माइनर टू यू नो नो स्क्रैचेस व्हाटसोएवर, ओके, ये हुआ आपका बी ग्रेड के, परफेक्ट टू न्यू कंडीशन, एग्जैक्टली परफेक्ट टू न्यू कंडीशन में आते हैं बी ग्रेड फोन। उसके बाद में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सी ग्रेड के फोन्स जो होते हैं वो भी आपके फिजिकली सब एकदम बढ़िया कंडीशन के होते हैं,
लेकिन हो सकता है कुछ छोटा उसमें फंक्शनल फॉल्ट रहते हैं, जैसे रिंगर में थोड़ा क्रैकिंग हो रहा है या फिर उसके बटन्स थोड़े ढीले हैं, तो वैसे वाले फॉल्ट्स रहते हैं आपके सी ग्रेड के फोन्स में। ओके ओके। और फाइनली हम आते हैं, मतलब क्या है, मैकेनिकल हल्का मैकेनिकल कुछ छोटा मोटा इशू, और ज्यादातर जो भी सी ग्रेड के फोन्स लेते हैं हमारे होलसेलर्स वो खुद उसको रिपेयर कर लेते हैं। ओके। तो उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो डी ग्रेड फाइनली फाइनली वी कम टू डी ग्रेड। नाउ डी ग्रेड जैसे बोलते हैं उसमें आप नाम ही समझ सकते हो कि यार डैमेज निकल सकता है। राइट। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये फोन, ये है आपका रेडमी का 4A। Okay. ये आया है डी ग्रेड में, लेकिन है एकदम फ्लॉलेस कंडीशन फिजिकली। ओके। लेकिन ये किस वजह से डी ग्रेड में आया है, ये आपका बैटरी यहाँ पे देखेंगे, बैटरी थोड़ा फुला हुआ है right? जिस वजह से ये डी ग्रेड में आया है। लेकिन इसके अलावा इसमें और कोई इशू नहीं है, कोई फंक्शनल इशू नहीं है। Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, होलसेलर को एक फायदा हो जाता है कि ऐसा जो है सिर्फ बैटरी चेंज करके, वो मान लीजिए ये फोन का आपका डी ग्रेड में आ रहा है तकरीबन 1300 रुपए में, उसमें आपने सिर्फ एक 550 से 600 के अंदर में एक बैटरी चेंज करवा के वो फोन आपका हो गया 2000 के अंदर रेडी, और आपने उसको बेच दिया तकरीबन 2500 से 3000 में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी रहता है यहाँ पे। फैंटास्टिक। और फुल सपोर्ट तो है ही आपके तरफ से, हमारे एंड से। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे हर होलसेलर और रिटेलर को फुल सपोर्ट मिलता है। कोई भी बोर्ड रिलेटेड इशू में या मिसमैच का अगर कुछ निकलता है तो आप हमें इमीडिएटली बता दीजिए, जस्ट हमें उस फोन का एक वीडियो या फोटो भेज दीजिए, और अगली बार जब आप आओगे हम उसमें आपका रिप्लेसमेंट करवा देंगे। तो बॉक्स बॉक्स के तरफ आ जाएंगे। बॉक्स चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। दिस इज अ सैंपल, हम लोग दिखाएंगे एक सैंपल के हिसाब से। बाकी सारा बॉक्सेस जो आप देख पा रहे हो ऐसा ही आएगा। एक ही बॉक्स ओपन करने से आपको समझ में तो आ ही जाएगा क्या है इसके अंदर, कैसा रहता है जी, कैसा आता है माल। तो नॉर्मली जब भी हम लोग के यहाँ से बॉक्स टू बॉक्स कोई लेता है तो वो पहले बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं, उसी के बाद ही हम लोग बॉक्सेस खोलते हैं। बॉक्सेस सिलेक्शन का आसान तरीका है कि फोन का डिटेल्स पहले ही होता है ऊपर, एकदम फोन्स के सारे डिटेल आपको बॉक्स के ऊपर ही मिल जाएंगे, मॉडल के साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो फिर जो होलसेलर रहता है वो भी एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन आप बोल सकते हो ले सकता है कौन सा मॉडल उसको चाहिए। एग्जैक्टली। बट मैक्सिमम तो मिक्स एंड मैच ही होता है, राइट? जी बिल्कुल। अभी एक एक जन का रहता है कि किसी को आईफोन ही चाहिए सिर्फ, तो क्या होगा? तो फिर जैसे अभी आईफोन्स अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो जैसे जैसे बॉक्सेस खुलते हैं आईफोन्स उनके लिए अलग से सेपरेट कर सकते हैं। ओके। या फिर अगर हम लोग को प्रायर ऑर्डर दे देते हैं वो, ओके, तो नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग लॉट मंगवाते हैं, ओके, तो उनके लिए भी स्पेसिफिकली एक आईफोन का लॉट हम लोग अरेंज करवा रहे हैं। फैंटास्टिक। माने सॉल्यूशन है सबके लिए, सबके लिए सॉल्यूशन है। वाओ क्या बात है। सो बॉक्स खुल चुका है, सिम खुल गया है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितना सारा फोन, ऑल प्रेक्सो फोन्स। ये आप देख सकते हैं, ये आपका, इसको प्रेक्सो फोन्स बोला जाता है जो फ्लिपकार्ट और अमेजन से आता है। एक सैंपल खोल के आपके सामने सील ओपन करके दिखाएंगे हम लोग कैसा होता है। तो क्या निकला इससे? ये आया है आपका सैमसंग A6 प्लस। ये okay. आपका सी ग्रेड में आया, लेकिन इसे कंडीशन देखिए, एकदम बढ़िया कंडीशन में। अरे सी ग्रेड में तो कुछ मैंने ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम फ्लॉलेस कंडीशन में आपका आराम से बी ग्रेड के सामान में ये निकल जाएगा। ओके okay. बट सी ग्रेड में सी ग्रेड में आएगा आपको, सी ग्रेड के रेट में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपके मेंशन भी है कि सी ग्रेड है। ओहो, माने हर एक फोन का अलग अलग ग्रेडिंग। एग्जैक्टली। तो आप आराम से देखिए बी ग्रेड, सो एवरीथिंग इज मेंशनड सी ग्रेड। ये काफी आसान है प्रोसेस, तो कस्टमर को थोड़ा सुविधा हो जाता है। बिल्कुल। ये चलिए इसको एक बार खोल देते हैं। सो ग्रेडिंग होके ही पहले से आ जाता है, सो कोई डरने का कोई बात नहीं है, आपको पहले से जानकारी माने जानकारी के साथ ही आप फोन ले सकते हो। ये देखिए आपका बी ग्रेड का फोन आया है, सैमसंग कंडीशन एकदम बढ़िया है। ओहो, एकदम चमक रहा है। फैंटास्टिक। सो दोस्तों आप देख
सकते हो बॉक्स में कैसे, मैंने बॉक्स में कैसा कैसा माल आता है, कैसा कैसा पेटी पैक होके आता है बॉक्सेस, तो इस हिसाब से जो होलसेलर्स है, जो बिजनेस है, जो शुरू करना चाहते हैं वो भी आके ले सकते हैं। मिनिमम का कुछ है कि मिनिमम इतना ही लेना होगा? तो हमारे यहाँ होलसेलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप होलसेल का बात कर रहे हैं तो वैसी कोई हमारी मिनिमम क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि एक प्राइसिंग तो मैटर करता है, राइट? कितना जी बिल्कुल, माने एक जन लेगा पीसेस के ऊपर तो प्राइसिंग है, राइट? तो उस हिसाब से क्या, माने आपका सजेशन क्या होगा? देखिए, नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी होलसेल के तौर पे इसको शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट मान लीजिए 20-25-30 पीसेस चालू करे तो उनके लिए भी थोड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन वैसे हमारे तरफ से मैंडेटरी कोई मिनिमम क्वांटिटी एज सच है नहीं, लोग 5 पीस भी लेके जाते हैं, 10 पीस भी लेके जाते हैं। फैंटास्टिक, और उनके हिसाब से ही हम लोग ऑफर करते हैं उनको रेट्स। सो अभी फोन का सिलसिला शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है मेरा, सो उनका मन में भी आ रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा होलसेल की ही बात ही माने बात ही कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है एग्जैक्टली प्रोसेस? तो हमारे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है, डरिएगा मत, क्योंकि आपने भी काफी बार हमें कॉल किया था और हमने जैसे आपको बताया था, तो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए जो हमने ऑप्शन रखा है कि वो है कि वो हमारे जो वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट है aplusdevice.com, उस वेबसाइट में जाकर आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो वहां चेक करने के बाद आप अवेलेबिलिटी के लिए हमें फोन कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से ही परचेज कर सकते हैं। जो भी कुरियर आपके शिपिंग है वो हमारे एंड से आपको मिल जाएगा, माने सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, बिल्कुल, प्राइसिंग से लेके सब कुछ मेंशन होगा, राइट? एब्सोल्युटली, वाओ फैंटास्टिक। और कोई आना चाहते हैं आपके इधर वो हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर विजिट कर, माने हमारे यहाँ विजिट करके अगर फोन लेना चाहते तो वो भी ऑप्शन उनके लिए पॉसिबल है। तो चलिए जेफ जी, फोन पे आ जाएंगे, फोन का प्राइसिंग थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग एक एक करके। जी, तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक थोड़ा एक फ्लैगशिप मॉडल है आपका, MI का A3 है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका A3, ओके, A3 मॉडल है, ये आपका 128 GB का है, ओके, ये आपका आएगा 7500 में, 7500, ओके। फिर आपको अगर थोड़ा मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा लो वेरिएंट में चाहिए, थोड़ा कम रेंज के चाहिए, उनके लिए आपके पास यहाँ पे है Redmi का 5A आपको मिलता है 2800 रुपए, ओके, 2800 में। सबसे सस्ता वाला कौन सा फोन होगा? सबसे सस्ता अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मेरे पास है, ये एक है जियोनी का मैक्स, एकदम फ्लॉलेस कंडीशन में, ये आपका आएगा 1500 रुपए में, सिर्फ 1500 पे, 1500 रुपए इसका सिर्फ आएगा। एक ही फोन है, कुछ ब्रांडेड है आपके पास? ले लीजिए, एक और फोन है आपका नोकिया का, Nokia 1, ये फोन भी आपको वही सेम प्राइस में मिल रहा है, जो 1500 पे, 1500 में मिल जाएगा। वाओ फैंटास्टिक। कुछ सैमसंग का है क्या? जी बिल्कुल, सैमसंग का भी है, ये देखिए, तो ये फोन आया है सैमसंग का, ये है आया है डी ग्रेड में, ओके, लेकिन इसका कंडीशन और फंक्शनल आप चेक करेंगे तो इसका पूरा ही बी ग्रेड का ही फोन है। सो गलती से क्या भेज दिया? तो ऐसा होता है बीच बीच में, ओके, फ्लिपकार्ट की तरफ से थोड़ा मान लीजिए जैसे ऐसा कंडीशन का फोन आया है, बट आपका लोअर ग्रेड में आया है और इसका भी रेट आपको 1500 में मिल जाएगा, 1500 रुपया, एकदम फ्लॉलेस कंडीशन का आपको सैमसंग का फोन मिल रहा है 1500 रुपए में। क्या बात है, क्या बात है। तो बट प्राइसिंग बोलने से पहले मैं एक चीज सारे व्यूअर्स के ऊपर इन्फॉर्म करना चाहता था कि पूरे आपके वेस्ट बंगाल में ही अभी के टाइम में A+Device ही है एक ऑथराइज्ड फ्लिपकार्ट लिक्विडेटर जो आपको सारे प्रेक्सो रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकेगा। तो हमारे सारे बंगाल और नेबरिंग जो भी एरियाज है वो बेझिझक अभी उनको ना दिल्ली ना बैंगलोर ना मुंबई ना हैदराबाद यहाँ कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे हमारे ऑफिस में आ जाइए और आपको सारे प्रोडक्ट्स यहीं पे मिल जाएंगे। सो मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट हैज ऑथराइज्ड A+Device ओनली टू सेल दिस प्रोडक्ट्स, राइट? जी बिल्कुल, पूरा वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में, और कोई नहीं है, और पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तो फिलहाल कोई है नहीं। सो व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। तो फोन पे चले जाएंगे मिस्टर
जी जेफ? तो हम लोग यहाँ से ही चालू कर लेते हैं। जैसे ये है पोको C3 आपका, ये चालू हो रहा है आपका 6200 से, 6200 आपका ओप्पो A3s ये हुआ आपका 4300, ये है ओप्पो A57 ये 3000 रुपए, जी ओके। ये है पोको X2 ये है आपका 11000 रुपए, 11000 X2 जी। ये है आपका सैमसंग का J4 ये आपका हो रहा है 4000 रुपए में, 4000। ये आपका रेडमी 7 है ये आपका 3500 में, वाओ। ये आ रहा है आपका रियलमी X2 ये आएगा आपका 9500 में, ओके। फिर आपका मोटो E3 पावर ये आपका आएगा 3200 में, ओके। आसूस मैक्स M2 ये आपका आ रहा है 2500 में, 2500 रुपए में। फिर ये आपका 3S प्राइम आ रहा है 2500 में, वाओ। देन यू हैव दिस वन सैमसंग M30 आ रहा है आपका 5400, LG G8 Think जो आ रहा है आपका 9800 में, 9800 पे LG G8, वाओ। फिर आते हैं आपका पोको पे, ये एक और पोको आपका अवेलेबल है यहाँ पे, ये आपका पड़ेगा तकरीबन 8200 में, ब्रांड न्यू कंडीशन, जी जी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, ओके। फिर जैसे मैंने आपको A7 दिखाया, ये तो आपका 1500 का जो है, ये वाला काफी चमक रहा है फोन, आईफोन जैसा, ये भी आपका है रियलमी U1 ये आएगा आपका 5000 रुपए में, 5000 पे जी, इतना फैंटास्टिक लुकिंग फोन, ओके। फिर आते हैं हम, ये भी है आपका रियलमी 1 ये आएगा आपका 4800 में, 4800 में। ये है आपका रेडमी Y2 ये आएगा आपका तकरीबन 3500 में, वाओ। फिर आते हैं ये है आपका नोट 7 आएगा आपका 5900 से 6000 के अंदर। फिर आते हैं ये आपका रियलमी C12 है, आप देख सकते एकदम फ्लॉलेस कंडीशन है, ये आपका आएगा 5500 के करीब, ओके। फिर आते हैं आप यहाँ पे दोबारा ये देख सकते हैं, मैं मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये आपका MIA3 7500 में आ रहा है, 7500 जी, ओके। फिर ये है आपका है रियलमी 7i जो है ये आपका आएगा 9300 में, 9300 ओके। यह है आपका टेक्नो का स्पार्क पावर 2 ये आएगा आपका 4800 में, 4800 पे। कितना सारा कैमरा है, चार कैमरा देखे 4800 पे सिर्फ। फिर आते हैं हम यहाँ पे रियलमी का काफी सारा फोन है, जी जी जी, ये है रियलमी का 3 प्रो ये आपका आएगा 5800 के करीब, 5800। फिर आते हैं यहाँ पे है आपका ये रेडमी 9 ए जो है, या 9A जो है ये आएगा आपका 5800, सिमिलर प्राइस रेंज। फिर ये है नोट 7 प्रो ये आपका है 6300 में, ओके। ये है मोटो E7 प्लस ओके फोन, ये है आपका 6500 में, ओके आपको मिल रहा है। देन अगेन ये तो आपने यहाँ पे देख लिया रियलमी U1, ये आपके थोड़े लोअर एंड रेंज के मॉडल्स है G5S, ये आपका आएगा नियर अबाउट 3900 के करीब, 4900, ओके। ये आपका सैमसंग का फोन है, ये है J5 सैमसंग का, ये आएगा आपका 2900 से 3200 के अंदर, ओके। ये 4G फोन है, जी जी 4G फोन है, ओके। जितना सारा हम लोग दिखाए 3G कुछ नहीं था, राइट? नहीं, यहाँ पे 3G कुछ नहीं है, सारे 4G फोन ही है। फैंटास्टिक। सो फोन तो काफी सारा है, बॉक्स में भी मैं कुछ देख पा रहा हूँ, जी। तो ये है आपका सैमसंग का M51, ये आपका 6 128 GB का है, ये आएगा आपका 9500 रुपए में, 9500 पे, जी 9500 पे। इसका ग्रेड क्या है? ये आपका बी ग्रेड में फोन आया है, ओके। कवर भी आ चुका है, जी कवर भी आ चुका है, ओके। ये आपका रियलमी XT अवेलेबल है इसमें, ये देखिए ये भी एकदम बढ़िया कंडीशन का फोन है, रियलमी XT ये आएगा आपको 9000 में, ओके। फिर ये आया है आपका Y53 है, थोड़ा अगर जिसको मान लीजिए थोड़ा लो एंड में फोन्स चाहिए वो ये वाले फोन्स ले सकते हैं, ये है आपका तकरीबन 3200 के करीब ये फोन आ जाएगा आपका। एंड देन यू हैव यहाँ पे रेडमी 9A है, ये आपका 4500 के अंदर आ जाएगा, 4500 पे। ये तो सिर्फ एक सैंपल है, राइट? जी एक, अभी एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ बूंद है सागर पे, सागर पूरा इधर है और ये तो अभी जो शुरुआत है, इसके राइट अलावा आपको और भी प्रोडक्ट्स मिले, एटलीस्ट ऐसा है कि हमारा हर हफ्ते ही
यहाँ पे लॉट्स आते रहते हैं, तो कभी निराश मत होइएगा अगर मैं बोलूँ कि आपने फोन किया, अगर मैं बोलूँ कि सर आज स्टॉक नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम दीजिएगा, स्टॉक अगली बार आ जाएगा। तो हमारा काफी व्यूअर्स थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि एक भी आईफोन हम लोग दिखाए नहीं इस बार। हाँ, तो इस लॉट में है बॉक्सेस में है, यहाँ पे है। क्या है इशू, क्या है, बॉक्सेस खोलना होगा, राइट? तो ये एक इशू है, राइट? और जितना सारा फोन हमने दिखाए 10,000 के नीचे ही मैक्सिमम, और 5,000 के नीचे तो 80% फोन्स, राइट, वैल्यू फॉर मनी फोन्स है। बट कोई थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला फोन लेना चाहते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, इस रेंज का भी फोन्स आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल। तो अभी जब हम लोग, जैसे मैंने बताया था, आप आईफोन तो आए हैं लेकिन यहाँ पे कहीं छुपे हुए हैं, सेम वे हाई रेंज की फोन्स भी आते हैं। मैंने इसी अलॉट में मैं अगर मैं खोल के देखूं तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाई रेंज फोन्स भी मिलेंगे। जैसे आई थिंक ओप्पो का भी एक रेनो का फोन है, आई थिंक 2G या 3G फोन अवेलेबल है, पोको का X3 अवेलेबल है, तो ये थोड़े और हाई एंड के तरफ में है। आईफोन्स का भी 8 प्लस अवेलेबल है, इसमें शायद एक X भी अवेलेबल होगा। तो हम लोग सबको केटर करना चाहते हैं, जो लो एंड से लेकर मिड रेंज और हाई एंड के फोन्स भी अगर आपको अवेलेबल, आपका रिक्वायरमेंट है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पूरा चीज दोबारा एक बार सबको समझा देता हूँ एक छोटे से मैंने ब्रीफ में, कि सारे यहाँ पे जो भी पेटी आते हैं, आप पेटी सेलेक्ट करोगे, उसी के बाद पेटी खुलते हैं, जो बॉक्स टू बॉक्स ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी बॉक्स में आते हैं सारे मिक्स्ड ग्रेड के रहते हैं, लो एंड से लेकर हाई एंड सारे मिक्स्ड रहते हैं, और आपका BCD तीनों ग्रेड के मॉडल्स ही रहते हैं। बी में आपका फ्लॉलेस कंडीशन टू नेग्लिजिबल स्क्रैचेस रहता है, सी में आपके थोड़े मोड़े कुछ छोटे फॉल्स रह सकते हैं, जैसे आपका रिंगर का हो या फिर बटन्स का हो जैसे मैंने बताया, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि कंडीशन एकदम बढ़िया है लेकिन कुछ छोटा मोटा वजह से वो सी में आ गया। और डी ग्रेड का जैसे मैंने आपको बताया है डैमेज्ड फोन्स रहते हैं, लेकिन कुछ सिनारियोज में बढ़िया कंडीशन के फोन छोटे मोटे रीजन, जैसे बैटरी शायद फुल गया है या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन से भी नहीं, जैसे आपका यहाँ पे जो फोन दिखाया है मैंने आपको, आपको डी ग्रेड में आ जाते हैं, जो आपका बहुत कम ही रिपेयर चार्ज रहता है और उसको आप ज्यादा मार्जिन में बेच सकते हैं। इसके अलावा हमारे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स निराश ना हो, आपके लिए भी जैसे मैंने बताया हमारा A+Device का वेबसाइट www.aplusdevice.com, आप वहां जाइए, प्लीज चेक कीजिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स, आपको वहां पे भी पूरे अपडेटेड प्राइसेस मिलेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की तकलीफ हो, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप काइंडली प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपके जितने भी सवाल हैं हम हमारे एंड से जितना आंसर कर सकेंगे हम लोग डेफिनेटली आपको आंसर करके हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि ब्लॉग हमेशा की तरह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना होगा, यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ब्लॉग आते रहेगा वेरी फ्रिक्वेंटली। और मेरे एक फेसबुक का भी पेज है कैलकटा ट्यूब, और जो ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक यूट्यूब का भी पेज है कैलकटा ट्यूब का नाम से, आप लोग फॉलो कर सकते हो, और हो सके तो काफ़ी शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।